हाँ भाई, तो जेईई एडवांस ने अपनी डेट शीट लॉन्च किया था 24 फेब को, और उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसको सब लोगों ने काफी पसंद किया है। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सर, अगर जेईई एडवांस अपना डेट शीट लॉन्च कर चुके हैं तो जेईई मेंस को क्या क्या परेशानी होने वाला है जेईई एडवांस तक अपना 2 जेईई मेंस कंप्लीट करने में। 24 फेब को ही जेईई एडवांस ने अपना ब्रोशर भी लॉन्च किया है, और उस ब्रोशर में सब कुछ सब डिटेल्स हैं कि आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आप किस किस शहर में अपना टेस्ट सेंटर फिल कर सकते हैं। ठीक, तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो हर बार की तरह ही है, बट इस बार पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए जेईई एडवांस ने ये अश्योर किया है किसी का भी अगर पैंडेमिक में एग्जाम छूट गया है वो दोबारा ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, उनका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा, सबको 2 अटेम्प्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब जब हम ब्रोशर पढ़ रहे थे तो हमको ये दिखा कि जिस भाषा में उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि वन स्पेशल वन टाइम मेजर, वो काफी कठिन भाषा है, उसको पढ़ना और समझना काफी मुश्किल होगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझा दिया जाए कि एक्चुअली जेई क्या बात कर रहा है, उस अपने पेज नंबर 15 एंड 16 पे क्या बात कर रहा है, एक स्पेशल केस क्या है। ठीक, अब देखिए पहले जो पुराना है आपका क्राइटेरिया वो डिस्कस कर लेते हैं। पुराना क्राइटेरिया जैसा है कि सर आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, जेई मेंस देना पड़ेगा, उसको पास करना ही पड़ेगा तभी आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये डीओबी का क्राइटेरिया है जो सब लोग ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर लेते हैं कि आपका जो डीओबी है 1 अक्टूबर 1997 के बाद का होना चाहिए, और अगर आप SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 1 अक्टूबर 1992 के बाद का, 5 साल का रिडक्शन मिला है इन लोगों को। ठीक है, जो तीसरा क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट दे सकते हैं, कि आपको जेई बोलता है कि सर जेई एडवांस के लिए आप बस 2 बार, वो भी कॉन्जिक्यूटिव साल में, 1 साल कौन सा जिस बार आपने 12th दिया, दूसरा कौन साल कौन सा उसके जस्ट 1 साल बाद आप जेई दे सकते हैं। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया क्या है कि आपका 12th और 12th का जो इक्विवेलेंट एग्जाम है वो 2021 और 2022 दो ही बार हो, यही 2 साल में हो सकता है, उससे पहले वाले लोग एलिजिबल नहीं है। यहां तक लिख के जेई ने एक बड़ा सा स्टार बनाया है उसके ऊपर। बड़ा सा स्टार कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बोर्ड, मतलब कोई बोर्ड का रिजल्ट 15 अक्टूबर के बाद निकला है, 2020 में किसी बोर्ड का रिजल्ट 15 अक्टूबर 2020 के बाद निकला है तो भी वो बच्चे इस बार भी एलिजिबल हैं, वो बच्चे इस बार भी एलिजिबल हैं जेईई एडवांस देने के लिए। ठीक, जेईई एडवांस को ये लगता है कि अगर आपका एक बोर्ड जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर 15 अक्टूबर 2020 के बाद किया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हुआ है तो आप सफर नहीं करना चाहिए, का एग्जाम डिक्लेयर हुआ है बट आपका रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया है बोर्ड ने किसी भी कारणवश, आप चोरी करते हुए पकड़े गए या फिर कुछ भी और हो सकता है रीजन जिसकी वजह से रिजल्ट था वो बोर्ड ने विथहेल्ड किया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलने वाला है, आपकी फिर वहां पे आपकी गलती हुई, बोर्ड की गलती नहीं हुई। बस एक ही क्राइटेरिया है कि बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर 2020 के बाद आया है, तो पहला तो यहां रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है लगभग सारे बोर्ड यहाँ के 15 अक्टूबर 2020 से पहले ही अपना रिजल्ट निकाल चुके थे। अगर आपके नॉलेज में कोई बोर्ड है ऐसा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा बोर्ड है जो 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट निकाला है 2020 में। मेरे समझ से ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, सारे के सारे बोर्ड इंडिया में 15 अक्टूबर तक अपना रिजल्ट दे चुके थे, भले एग्जाम हुआ था या नहीं हुआ था, रिजल्ट सबका आ गया था। एग्जाम होना और रिजल्ट आने में कोई कोई वहां तालमेल नहीं था, बिना एग्जाम के भी रिजल्ट आ गया था उस साल, लेकिन रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ गया था। तो पहला तो रिलैक्सेशन यहां, अगर आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर के बाद आया है तो जेई समझता है आपका गलती नहीं है, पैंडेमिक हिट सिचुएशन था तो आपको एक अटेम्प्ट और मिल रहा है, मतलब 2 ही अटेम्प्ट टोटल मिल रहा है क्योंकि उस समय तो आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक, अब एक और स्पेशल क्राइटेरिया है जिसके जो पैंडेमिक सिचुएशन में ही है, बस एक बार 2022 के लिए स्पेशल वन टाइम मेजर उन्होंने लिखा है। इसमें टोटल 2 पार्ट है वहां पे। पहला पार्ट ये बोलता है कि अगर आपका 12th 2020 या 21 में से कभी भी हुआ है और आप जेईई एडवांस के लिए रजिस्टर भी किए हो,
बट किसी भी कारणवश जेईई एडवांस का दोनों में से कोई भी पेपर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो जेईई समझता है, तो आईआईटी समझता है कि पैंडेमिक की वजह से, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, तो आपको उन्होंने एक और अटेम्प्ट दिया है। और ये बड़ा अच्छा अटेम्प्ट है कि इसमें अगर आप इस कंडीशन में, कौन सा कंडीशन है कि आप या तो 12 2020 या 21 में पास हुए, आप जी एडवांस के लिए क्वालिफाइड थे, आपने रजिस्टर भी किया है, लेकिन आपने दोनों में से कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि सर एक पेपर दे दिया दूसरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आप दोनों में से कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो इस बार बिना मेंस दिए आप डायरेक्ट फॉर्म भरिए जेईई एडवांस के लिए, समझ रहे हैं? आपको मेंस की जरूरत भी नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि जेईई एडवांस बिना मेंस के फॉर्म भरवा रहा है। ठीक, वो मानता है कि पिछली बार आपने मेंस वाली क्वालिफाई कर दिया, कोई बात नहीं, आप पैंडेमिक की वजह से परेशान हुए, तो इस बार भी उसी मेंस पे अपना फॉर्म भर दीजिए। तो आप फॉर्म भरिए। और एक और बात कि इस कंडीशन में आपको इन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करना है, समझ रहे बात? बस आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है डायरेक्ट। ठीक, अब इसी में दूसरा पार्ट है कि अगर आपका 12th 2020 में हुआ है, समझ रहे बात, और आपने कोई भी एक अटेम्प्ट दिया है, यू हैव अपियर्ड इन ओनली वन अटेम्प्ट इन ओनली वन जेईई एडवांस, जैसे आप दो से दे सकते थे लेकिन आप एक ही एग्जाम दिए हैं, या फिर किसी भी एग्जाम के दोनों पेपर में अपियर नहीं हुए हैं, समझ रहे बात? तो जेईई समझते हैं कि आप, आपका जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं दैट्स बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, या तो आप ट्रेवल नहीं कर पाए होंगे या फिर आपको खुद ही कोरोना हो रखा होगा, तो जेईई को ये लगता है कि आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वापस से आपको फिर एक अटेम्प्ट दिया है जेईई ने। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मेंस के लिए अपियर होना पड़ेगा, समझ रहे बात? अगर आपका पेपर 2020 में हुआ था और आपको एक ही अटेम्प्ट दिए थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से मेंस देना पड़ेगा और फिर से वापस से जी एडवांस का रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मेंस देना पड़ेगा और टॉप 2.5 लाख में आपको आना ही पड़ेगा अगर आप जी एडवांस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो। बट इधर कौन सा, ये सबसे अच्छा वाला सिचुएशन कौन सा बताओ, जहां सारे बच्चे काफी खुश हो गएंगे, वो ये सिचुएशन है कि जब आपका जेईई एडवांस छूट गया था 2021 वाला जो पेपर हुआ था, ठीक, आपने रजिस्टर तो किया था बट आप पेपर नहीं दे पाए थे, उस उन लोगों के लिए इस बार कुछ नहीं करना है, सीधे जाके पेपर देना है, बात खत्म। ठीक, अब सर, और जो लोग 2020 में एग्जाम दिए, 12th पास किए हैं, अपना पेपर एक ही अटेम्प्ट दिए हैं, एक अटेम्प्ट नहीं दे पाए, या फिर किसी भी एक अटेम्प्ट में दोनों में से कोई भी पेपर अपियर नहीं कर पाए हैं, वो अपना एक इस बार वापस से जेई मेंस दे के अपना जेई एडवांस दे सकते हैं मेंस क्वालिफाई करने के बाद, इनको मेंस देना ही पड़ेगा। ठीक, अब जहां तक रही सर बोर्ड में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, अपने ब्रोशर के पेज 43 में जेई एडवांस ने क्लियर कट लिखा है बोल्ड एंड ब्लॉक लेटर्स में कि आपको बस पास होना है, PASS सीधे लिखा उन्होंने, बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिख रखा है कि कोई भी 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम में PCM एक लैंग्वेज का पेपर और एक कोई भी और पेपर अपनी श्रद्धा से दीजिए और आपको बस उसमें पास होना है, कोई भी 75%, कोई भी 50%, कुछ भी ऐसा रूल नहीं है, यू जस्ट हैव टू पास। जेईई एडवांस ऐसे भी बोर्ड के मार्क्स को उतना वैल्यू देता ही नहीं है कभी से, ठीक है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही, अगर आप जस्ट 35% लाके पास हो गए तो भी आप जेईई एडवांस के लिए इलिजिबल है, तो भी आप आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए इलिजिबल है, अगर आप जेईई एडवांस छोड़ दे तो। उनको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो बस चाहते कि ठीक है आपके पास एक 12th पास का सर्टिफिकेट, सॉरी नोवा कि आप 12th ही पास नहीं करेंगे, आपको बैचलर्स का डिग्री दे देंगे, वो चाहते हैं कि बस आपको एक 12th पास का सर्टिफिकेट हो, PCM और एक लैंग्वेज पेपर और एक कोई भी अपनी श्रद्धा से पेपर आप ले लीजिए, ठीक है? तो ये तो पूरा पूरा आपका सारा अटेम्प्ट है। ठीक, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या आपके काम का था? हाँ, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये जो लोग हैं जिनका भी एक अटेम्प्ट छूट गया है उन तक ये बात पहुंचे और वो दोबारा अपना अटेम्प्ट दे, इस बार फिर से पेपर ट्राई कर पाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए।